भाई मैं सीरियसली 1:30 बज गया और एक्चुअली मुझे 2 बजे ना दिल्ली पहुंचना था कहीं पे, तो मैं हो गया हूँ बहुत तगड़ा लेट। अब लेट क्यों हुआ, क्योंकि कल रात में मैं सोता रह गया, कल रात में लेट सोया और सुबह सोता रह गया। तो फटाफट गाड़ी में बैठो और यहाँ से भग लो, आज भैया हैं लगता है। नॉर्मली मैं टाइम का ना बहुत पंक्चुअल हूँ यार, अगर मैंने किसी को पर्टिकुलर एक टाइम दिया है ना तो मैं पक्का उस टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ। बट आज पता नहीं क्या हुआ यार, मैं सुबह उठा भी, वीडियो पब्लिश करना था, वीडियो पब्लिश करके वापस से सोया और उसके बाद पता है क्या एग्जैक्टली मेरी नींद खुली 1 बजे और फिलहाल टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे। यहाँ से अपने को दिखा रहा है 1 घंटे 7 और ना अपने तो ग्रहण लगा पड़ा यार। हर दिन दिल्ली जाना पड़ रहा है, हर दिन ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है। आदमी साला आदमी ऐसे ही आधा हो जाए सोच सोच के, टेंशन के मारे के साला दिल्ली आना है। और ये चश्मा मैंने धूप के वजह से नहीं लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि मेरी आंखें पूरी तरीके से नहीं खुली हैं। हाँ, आंखें ऐसे बंद, छोटी सी ऐसे बंद, एकदम सूजी सूजी ऐसे बंद हुई पड़ी हैं। भाई गाना ऐसा बज रहा है, लग रहा है जैसे दुबई में ना शेख जायद रोड पे चला रहे ना। हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग, आप अगर दुबई गए हो तो आपको पता होगा शेख जायद रोड, वहाँ जो डाउनटाउन एरिया है उनका, तो वैसा लग रहा है एकदम। मतलब मस्त अरेबिक गाना बज रहा है, मस्त गाड़ी रपा रप चल रही है, बस साला ट्रैफिक है, बस यहाँ पे जाम लग जाता है, वहाँ साला जाम नहीं लगता था। दिल्ली जाने वाला सिलसिला है ना अभी खत्म नहीं हो रहा भाई, अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी ऑटो एक्सपो आ जाएगा। अब भैया ऑटो एक्सपो भी एक्चुअली 2 अलग अलग जगह, एक तो प्रगति मैदान जहाँ पे एक्सेसरीज और बाकी सारी चीजें रहती है, और एक नोएडा जहाँ पे गाड़ियां रहती है। तो अपन को दोनों ऑटो एक्सपो कवर करना है। प्लीज कमेंट करके बताना कि एग्जैक्टली उसमें क्या देखना चाहते हो, सो दैट अपन वो स्टॉल को जाके कवर करें। तो अपन दोनों जगह जाएंगे, आपको सारी चीजें दिखाएंगे, अपन भी देखेंगे, क्योंकि अपन भी कार एंथुसियास्ट है, अपन को भी अच्छा लगेगा, अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये करना है, उसके लिए भी अलग 2 दिन दिल्ली जाना है, देखते हैं कब जाते हैं। और फट से ऑटो एक्सपो खत्म हुआ और फट से यहाँ से भाग लेना है भाई, गुड़गांव बहुत ठंड पड़ रहा है, सीधे समुद्र की तरफ जाना है। कल में जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस देखा ना यार, मतलब जो एक्सपीरियंस था इतना अमेजिंग था यार। मतलब एक तो कि स्पेशली उन्होंने रात में अरेंजमेंट किया था सारा, शोरूम नहीं था लेकिन फिर भी जो एग्जैक्टली चीज़ें बोली गई थी ना एग्जैक्टली वैसा किया था। मतलब सेम चीज़ जब हम अज्जू भाई की गाड़ी लेते तो लैंड रोवर में भी था कि मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फ्लॉलेस अरेंजमेंट था यार। और यही सारी चीज़ें ना आपको नॉर्मल जब गाड़ियाँ लेते हो, जैसे मैंने फॉर्चुनर ली तो हमने रोड पे खड़े होकर डिलीवरी ली, मतलब लिटरली वो रोड ही था उनका, पार्किंग का थोड़ा सा एरिया, या कोई भी और गाड़ी ली ना तो वैसा, मतलब शोरूम के बाहर या वैसा एक्सपीरियंस नहीं था। बट डेफिनेटली यार पैसे भी बहुत चीज़ है। जो कल गाड़ी थी मर्सिडीज GLC 43 AMG, वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑन रोड है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो अच्छा होता ही है। और वो हाफ टैंक फ्यूल भर के देते हैं, बाकी जगह गाड़ी देते हैं सिर्फ 5 लीटर देते हैं, ये भी है। 1 करोड़ में हाफ टैंक ही मिलेगा, 2 करोड़ की गाड़ी लेको फुल टैंक मिलेगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं तिहाड़ जेल की तरफ, मतलब बेसिकली हमारे राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है इस साइड, अरे इधर कैमरे में कहां दिखेगा, अरे कैमरे में इधर दिखेगा इस साइड, तो ये है इधर तिहाड़ जेल। तो अब तिहाड़ जेल में हम जा नहीं रहे, हम जा रहे जनकपुरी, हाँ, बट तिहाड़ जेल से होके जा रहे हैं, समझे। सारे कैदियों को हेलो, राम राम, क्राइम मत किया करो कुत्तो, तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है दिल्ली में। पहुंचे हैं ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट, अभी वेट करते हैं, फिर अपना यहाँ से जो भी काम जिस चीज़ के लिए आए वो करके फिर यहाँ से निकलते हैं। सबसे ज्यादा डर ना इस बस से लगता है DTC वाले, भाई देखते नहीं है अभी तो ऑलमोस्ट उस गाड़ी में सटा दिया था, बाकी अपना काम यहाँ पे हो गया, जिस चीज के लिए अपन यहाँ पे आए थे वो हो गया। अब 1-2 बार शायद अपन को और आना पड़ेगा, बट वो अभी नहीं, अभी डिसाइड करेंगे कब आना है, क्योंकि अपन तो अभी ट्रैवल करेंगे ना थोड़े टाइम तक, मतलब जब तक अभी यहाँ पे हैं तक तक जितना भी गुड़गांव और दिल्ली NCR का काम है ना वो सारा निपटा लेंगे। दिल्ली से प्यार हो गया मुझे, दिल्ली नहीं मनाली हो गया कि हर दूसरे दिन यहीं पे आ रहा हूँ। जब आओ तब ट्रैफिक, जब जाओ तब ट्रैफिक, साला ट्रैफिक लाइफ से जा ही नहीं रहा है, दिल्ली का पोल्यूशन और ट्रैफिक। यहाँ भी जाम लगा दिया है, घुस गए हैं उस लेन में, उधर से गाड़ी आ ही नहीं पा रही है, कह रहे भाई हम पहले जाएंगे, इसी में सब फंसे हुए हैं।
बहुत सही गुरु, बहुत सही। ऐसे सब पहुंच जाएंगे ना अपने घर। तीन हजार छह सौ अस्सी साल बाद फाइनली अपन गुड़गांव पहुंच ही गए। हाँ भाई, ऐसा लगा कि तीन चार जन्म हो गया ना मेरा। पूरा टाइम ट्रैफिक में फंसे फंसे, कभी ये रोड बंद, कभी वो रोड बंद, कभी इस पे काम चल रहा है, कभी उस पे काम चल रहा है। भाई आज मैं ट्रैफिक से जितना परेशान हुआ ना, सिर्फ मुंबई में हुआ था। हाँ मुंबई में हुआ था, नहीं इससे ज्यादा हुआ था। मुंबई 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 को सल्यूट है भाई, मुंबई को कोई बीट नहीं कर सकता, मनाली भी नहीं। तगड़ी भूख लगी ना मेरे को, क्योंकि सुबह तो मैंने कुछ खाया था नहीं, सुबह सीधे चला गया था। तो यहाँ पे ना एक डोसा वाला है, ऐसे स्ट्रीट साइड डोसा, बट भाई भैया साउथ इंडियन है और क्या ऑथेंटिक सांबड़ बनाते भाई। डोसे में सांबड़ अच्छा हो ना तो डोसा तो अच्छा होता ही है। एक मसाला डोसा और एक प्लेन डोसा, क्योंकि मसाला डोसा में आलू बच जाता है ना, तो फिर प्लेन डोसा से हम पैसे बचा लेते हैं। देखा बैंक वाला तरीका। नहीं नहीं, एक्चुअली क्रिस्पी होता है ना, देखो खाने में बहुत मजा आता है। दिल्ली में भी ना, मुंबई की तरह, महाराष्ट्र की तरह ना, स्ट्रीट फूड बहुत अमेजिंग मिलता है। मतलब स्ट्रीट फूड एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, बट आपको सही जगह बताना चाहिए। अब ये डोसा वाला मुझे इसलिए पता था क्योंकि मेरा ऑफिस हुआ करता था सामने, और मैं ऑफिस से ना कभी कभी इधर आके डोसा खा लेता था। मजेदार भाई बड़ी, लेकिन भैया तीखा बहुत डाले यार। कह रहे साला फ्री का प्लेन डोसा, नहीं सॉरी फ्री का आलू खा रहा है सेकंड वाले डोसे में। पहले वाले डोसे में आलू ज्यादा था ना, तो मैंने कहा चलो आलू तो यूटिलाइज हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा, असल पैसा ही बच जाएगा। 20 रुपए बचा लिए भाई, 110 रुपए में दो डोसा खाए। कभी अगर स्ट्रीट में घर के आसपास ऐसे कोई स्ट्रीट फूड है जो अच्छा है ना, तो कभी कभी वहां से खाया करो यार। हमेशा नवेद्यम या सागर रत्न से खा के ना, बड़े ब्रांड्स को बड़ा और नहीं करना, छोटे ब्रांड्स को भी ब्रांड बनाना है, मतलब छोटे शॉप्स को भी ब्रांड बनाना है, तो उससे हेल्प हो जाती है। मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ शायद समझ गए होगे। पहले से भौंकना स्टार्ट हो जाता ना तो खोल लिया करना दरवाजा। एक काम करेंगे, यहाँ पे तेरे पंजे वाले ना ये फिंगरप्रिंट्स लगा देंगे, ठीक है, पंजे डाल के खोल लिया कर। पहले से ही भौंक रही है माँ। भाई ठंड इतनी ज्यादा है ना, मैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा कवर्ड हो गया। ये मैं मिरर की तरह यूज करने लगा हूँ ना। हाँ जब आदमी को मिरर नहीं मिले तो ये वाला शीशा यूज कर लो। चलो कल रात में मैं ना सुबह 4:30 बजे तक आसपास जगा हुआ था भाई, मेरे मोबाइल पे दिखा रहा था 3 डिग्री के आसपास, 3-4 डिग्री दिखा रहा था, और जो एक्चुअल फील था ना वो 1-2 डिग्री। मतलब जिस हिसाब से मनाली में ठंड पड़ रही थी ना, वैसे यहाँ लग रहा है यार गाड़ी के अंदर, देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, 27.5 डिग्री करके बैठा हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई कितनी ठंड लग रही है। मैं वैसे मजाक नहीं कर रहा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो ना तो आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया से नहीं हो तो देख लो भैया। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई आज अलग पार्किंग है यार, अलग पार्किंग है, मैंने इसीलिए पहले लगा दी स्टार्टिंग में। चल ये हमारा दूसरा नया अड्डा खोजा है ना हमने, बताना नहीं है इसको, बताना नहीं है भाई, हम बताएंगे नहीं कौन सा अड्डा है, ये परम का अड्डा है। हाँ सारे अड्डे मेरे भी हैं, सारे अड्डे परम के हैं। हाँ परम गुड़गांव का बॉस है ना, बदमाश बना रखा, बदमाश हो रहा है। सुन 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 सुन, तू पता कैसी लग रही है, अंग्रेजी पिक्चर में मेड लोग नहीं रहती थी, आई बाई जो गाई वैसी, अंग्रेजी अंग्रेजी लग रही है। सुन सुनो 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 यार सुनो, ये चलाकी मैं आप लोगों को ही बताता हूँ, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तुरंत पानी लेके अपने टेबल पे आ जाओ और अपना ऑर्डर सबसे पहले लिखवा दो, ठीक है भाई, उसके बाद जो वहाँ पर रहेगा वो पैसे देता रहेगा। और एक दिन इसी चलाकी के साथ ना मेरे पास तुम्हारे भाई के पास पोर्शे होगी, दो दो पैसे करके बचाता हूँ मैं, जैसे अभी बचाया। यस 1300 को बिल आया मैंने दिया। देखो ये काट दूंगा ना एडिटिंग में। ये क्या है आपने जो यहां पे था, जेली पेन? नहीं जेली पेन तो ऊपर है, ये है क्या उसको नहीं पता नाम? नहीं नहीं मेरे को पता भाई, वैसे तो इसको ये क्रोसोनी बोलते हैं, ठीक है क्रोसोनी। वैसे इसको क्रोसो बोलते हैं, क्रोसो बोलते हैं, बट ये है वैसे देसी पेटी। क्रोसो नहीं, हम क्रोसो बोलेंगे, हम क्रोसो बोलेंगे, हम क्रोसेंट बोलते हैं, हम क्रोसो, ये पेटीज है वैसे, पेटी। हमारा वैसे तो ड्राइव पे जाने का कोई मन नहीं था, कोई मन नहीं, लेकिन जबरदस्ती ना हमें 500-500 रुपए मिले मजदूरों की तरह। कह रहे कि ना गाड़ी में बैठ के ना गाड़ी की तारीफ कर देना तो 500-500 रुपए मिलेंगे। हाँ परम, हाँ गाड़ी की तारीफ तूने नहीं की यार, कर तो दी मैंने, पैसा कटेगा? ना ना मैंने तो बहुत ज्यादा कर दी भाई, औकात से फालतू। हाँ कह रहा में जहाँ पे बोला तेरे को 1000, हाँ 1000 जहाँ पे नील गाय भागती है ना वही तुम लोग को उतार दूंगी।
तो गाय तो तू है ना। मैं बहुत मुश्किल से पीछे अपना दिल पे ऐसे हाथ रख के बैठा हूँ क्योंकि राखी बहुत अच्छी ड्राइव कर रही है इसलिए। अरे क्या कर रहा है ये? ओह माय यार। मैं इसमें फोन छोड़ के ना अपने गाड़ी में फोन खोल रहा हूँ, परेशान हो गया मैं। हाँ कि भाई फोन कहाँ छोड़ दिया, फोन कहाँ छोड़ दिया, फोन हमारे पास छोड़ दिया था। हाय हाय हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन भाई। आज मेरे को अपनी जगह पे पार्किंग मिल गई ना, अपनी जगह पे। हाँ वहाँ पे इस पे तो काम कर, रुमाल गिर दो परमानेंट। हाँ ना भाई, हम एक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं लेकिन हमेशा की तरह ना एक बंदा जो है सबसे बड़ा सॉरी मैं इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से धोखा देता है, डिच करता है, धोखा देता है, धोखेबाज है, देख रहे हो? ये बहुत बड़ा धोखेबाज है भाई, इस बंदे ने इतना इतने प्लान बनाए हैं और सारे प्लान लास्ट मोमेंट पे खराब। ये बताओ ऐसा कौन सा ट्रिप है, ऐसा हर एक ट्रिप है, ऐसा कौन सा ट्रिप है जिसमें तुमने ट्रिप करा और मैं उसी टाइम गुड़गांव में था अभी तक? सारे सारे ट्रिप में, सारे ट्रिप भाई देख इसका ना ये काम करता हूँ मैं, घी में आग डाल के, सॉरी आग में घी डाल के खुद को जला लेता हूँ। चलो भाई बहुत लंबी चौड़ी चली अपनी डिस्कशन, बहुत सारा बात कर रहे थे हम क्या करना है क्या नहीं करना है और अपने वही प्रोफाइल जॉब वॉब से, मतलब जॉब बोले तो यूट्यूब से रिलेटेड क्या है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नया है, ये सारी चीजें जब बहुत सारे लोग मिलते हैं ना तो ये सब डिस्कस करते रहते हैं। तो चलो ऑलमोस्ट 11 बज गए, करते इस वीडियो को यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस।